प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए फाइनल के सेकंड पेपर भारत के भूगोल की। दोस्तों, ये पेपर आपके 75 नंबर का होगा, तीन खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड से आपको एक एक प्रश्न करना है। दोस्तों, इस पेपर का जो प्रथम प्रश्न है वो कंपलसरी होगा, जिसमें आपसे मानचित्र भरवाए जाएंगे भारत के संदर्भ में और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न की अच्छे से तैयारी करें। मानचित्र में दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं भारत के प्रमुख पठार, पर्वत, नदियां, झीलें, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र आदि के संदर्भ में आपसे मानचित्र में भरवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पेपर में तीनों ही सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से तैयार करें। तो दोस्तों, जो आपका सेक्शन ए है, इसमें दोस्तों आप सबसे पहले तो भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ें। किसी भी एक प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत की जलवायु, वनस्पति, मृदा, भारत का जो अपवाह प्रणाली है उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें से आपके प्रश्न आ सकता है। खनिज संसाधनों में दोस्तों ऊर्जा के खनिज हैं, धातु के धात्विक खनिज हैं, उनमें से आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो सेक्शन फर्स्ट में आप जो ये टॉपिक बताए हैं इनको देखें। सेक्शन बी में दोस्तों फसल के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, जिसमें आपसे गेहूं, चावल, चाय, कपास, कहवा, गन्ना आदि फसलों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। भारत के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है आदि से प्रश्न किया जा सकता है। भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व वितरण, भारत की जनसंख्या नीति आदि से दोस्तों प्रश्न हो सकता है। तो आप सेकंड यूनिट में आपको जो टॉपिक बताए हैं आप इनको पढ़ें अच्छे से। सेक्शन सी में दोस्तों भारत के आर्थिक प्रदेश हैं, परिवहन का विकास है भारत में, जैसे सड़क परिवहन का विकास, रेल परिवहन का विकास, वायु परिवहन का विकास है, प्रादेशिक विषमताएं हैं दोस्तों आदि से भारत के पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उन पे आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो जो टॉपिक्स बताए हैं भारत के भूगोल में, आप सेक्शन वाइज इन टॉपिक्स को देखें, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।